ऑलराइट गाइस, सो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। देख सकते हो ये है पैकेज। अब इसको जल्दी से मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। वैसे पैकेज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल इंटैक्ट है ये, एंड कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। तो थैंकफुली द प्रोडक्ट इज़ सेव्ड हियर। तो आप जल्दी से देख सकते हैं किस तरह का ये हेलमेट हैंगर है। एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे हुक दिए हुए हैं, तो तीन हुक दिए हुए हैं। ऊपर यहाँ पे हेलमेट को हैंग करने के लिए बना हुआ है। एंड यहाँ पे सारे जो इसके अटैचमेंट्स हैं, बोल्ट्स वगैरह जो चीज़ इसके रिक्वायरमेंट होती है इंस्टॉलेशन के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और ये देख सकते हो गेट सेट राइड की, ये देख सकते हो वेबसाइट के बारे में यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड ये है उनका लोगो। तो खोल के निकाल लेते हैं, क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे आपको चार इस तरह के प्लग्स मिलेंगे प्लास्टिक के, एंड उसके साथ चार ये बोल्ट हैं ब्लैक कलर के। तो कुछ नहीं करना है इसके ना, जल्दी से फटाफट इसको फिट करते हैं वॉल पे, एंड देखते हैं किस तरह से इसको लगाना है। एंड इसके बाद हैंग करेंगे हेलमेट इसके ऊपर, एंड नीचे जैकेट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है इसके फीचर्स। तो जल्दी से पहले इसको फिट कर लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हो ये हो गया इंस्टॉल यहाँ पे गेट सेट राइडर का हेलमेट हैंगर। तो दिस इज़ ऑल प्रिसिशन कटिंग, एंड इसकी वजह से आप देख सकते हो काफ़ी स्लिम ट्रिम एंड काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। ऊपर आपको यहाँ पे हेलमेट हैंगिंग का दिया हुआ है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जैकेट एंड कीज़ वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे कीज़ आ जाएंगे, यहाँ पे आपके जैकेट एंड कुछ और दूसरी चीज़ रख सकते हो। तो ये कुछ ओवरऑल पूरा आपका लुक है। थोड़ी सी यहाँ पे होल्स करने में गड़बड़ हो गई थी मुझसे, तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया डक्ट टेप वगैरह से। बट यस, दिस इज़ दी होल हेलमेट हैंगर। अब इसके ऊपर हेलमेट रख के देखते हैं किस तरह का लुक आता है, एंड नीचे जैकेट वगैरह भी हैंग करके देखते हैं। तो चलिए, तो ये है मेरा हेलमेट। लेट्स पुट दिस ऑन द हेलमेट हैंगर, एंड इस तरह से आप देख सकते हो हेलमेट यहाँ पे आ गया है। अब नीचे बाकी चीज़ें लगा देते हैं। तो गाइस, अगर बात करें इसकी थिकनेस की, तो ये है 2.5 mm की थिकनेस का हेलमेट हैंगर, जो कि काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ऊपर आप हैवीएस्ट से हैवीएस्ट हेलमेट रखोगे तब भी इसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा। ऑल्सो जो नीचे ये हुक्स बने हुए हैं, इसकी जो कैपेसिटी है हर एक हुक की वो है 15 kgs। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इसकी बिल्ड क्वालिटी है। एंड इसके ऊपर पर्समेटिक पाउडर कोटिंग की गई है, इसकी वजह से क्या है स्क्रैच रेजिस्टेंट है, एंड इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे स्क्रैच नहीं दिखेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे ये जितने भी बोल्ट दिए हुए हैं एंड इसके साथ जो प्लास्टिक के प्लग्स थे वो इसके साथ इंक्लूडेड है। तो मतलब आपको कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ड्रिल करना है एंड आप इसको फिट कर सकते हो। अगर आप ड्रिल भी नहीं करते तो डायरेक्टली भी आप इन स्क्रूज़ को टाइट कर सकते हो अपने वॉल पर। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, सिंपली ये चार स्क्रूज़ को टाइट करना है, आपको वॉल में माउंट करना है बस। इसके बाद आपका जो सारा काम है वो ये माउंट कर लेगा, मतलब ये हेलमेट हैंगर सब कुछ होल्ड कर लेता है। कीज़ आ जाते हैं यहाँ पे, आपके हेलमेट आ जाती हैं, जैकेट आ जाते हैं, नी गार्ड, एल्बो गार्ड एंड योर ग्लव्स। ऑफ कोर्स शूज़ जो हैं वो आप नीचे ही रखोगे, तो शूज़ के लिए आप जगह बना सकते हो बिल्कुल उसी के नीचे। तो यहाँ पे शूज़ आ जाएंगे एंड बाकी सारा चीज़ आपका राइडिंग से रिलेटेड, सारे राइडिंग गियर्स एंड कीज़ सब कुछ आपका यहाँ इंटैक्ट एक जगह स्टोर हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। मतलब फॉर राइडर एक एक चीज़ ढूंढना एंड कई बार मिसप्लेस हो जाते हैं, ग्लव्स एक पेयर लॉस्ट हो गया तो आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। एंड दिस इज़ रियली कन्वीनियंट
फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ग्लव्स मिलते नहीं है, जिस दिन राइड होगी उसी दिन ग्लव्स गुम हो जाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे कन्वीनियंटली पूरा सब कुछ एक जगह स्टोर हो गया है एंड इसको आप कवर कर सकते हो चाहो तो. तो ये जो सेटअप है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रह सकता है. एंड ये जो हेलमेट हैंगर है सूटेबल है सब टाइप के हेलमेट के लिए, मतलब ना सिर्फ फुल हेलमेट बट हाफ फेस हेलमेट या मॉडलर हेलमेट. इवन अगर आपके पास दूसरे हेलमेट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास साइकिलिंग वाले हेलमेट्स है तो वो भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, हॉकी वाले या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स हेलमेट है तो वो भी यहाँ पे लग जाएंगे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो बैक साइड पे सिर्फ हैंग होता है ना, यहाँ पे स्ट्रैप लग जाएगा तो बिल्कुल ये फिट हो जाता है एंड कहीं पे भी मूव नहीं होगा. तो कोई भी हेलमेट आप इसके ऊपर लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब बड़े से बड़ा हेलमेट भी लग सकता है. ये लार्ज साइज़ है देख सकते हो, फिर भी इतनी जगह बच रही है पीछे कि यहाँ पे लाइट के पास भी जगह है, मतलब इतनी स्पेस अभी भी बच रही है तो बड़े से बड़ा हेलमेट यहाँ पे आप रख सकते हो इजिली. सो गाइस अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है इसकी प्राइसिंग. तो इसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी 399 की एंड आप ये डायरेक्टली गेट सेट राइड की वेबसाइट से ले सकते हो. इनकी वेबसाइट का नाम है getsetride.com एंड आपको ये चीज़ अमेजोन पे भी मिल जाएगा. तो अमेजोन पे वहाँ पे आपको बंडल मिलेगा, बेसिकली हेलमेट हैंगर प्लस 2 एक्स्ट्रा हुक्स जो इस सेटअप उन्होंने बनाया है. तो 3 चीज़ों का वो पूरा बंडल बनाया हुआ है, 799 या 699 आई गेस ऐसा कुछ प्राइस है, मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं. वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स में दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना. एंड अगर आपको डायरेक्टली ये वाला लेना है आइटम तो ये आपको गेट सेट राइड की वेबसाइट पे डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो और उनसे आप ये ले सकते हो. और इसी तरह आप भी अपने राइडिंग जैकेट एंड हेलमेट को एक जगह स्टोर कर सकते हो, कीज़ वगैरह एंड बाकी सारी चीज़ें जो जो आप यूज़ करते हो राइडिंग के लिए, तो यहाँ पे आप हुक कर सकते हो. सो गाइज़ यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो आपका जो माउंटिंग है वो प्रॉपरली हुआ हो अच्छी तरह से. तो इसके पास इतना कैपेसिटी है कि आराम से 10-12 kg तो आराम से होल्ड कर सकता है, बिकॉज ये बेंड नहीं होगा इतने जल्दी. सो गाइज़ अभी देखिए यहाँ पे तो मेरा जो हेलमेट है इसका वेट अराउंड 1.5 kg है एंड पूरा वेट अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह एक्शन कैमरा एंड दीज लाइट्स एंड इंटरकॉम सब कुछ जोड़ भी लें तो 2 kg अराउंड इसका वेट होता है एंड राइडिंग जैकेट का अराउंड 2.5 kg होगा मैक्स टू मैक्स. ये जो है इनका पूरा वेट हार्डली 500 ग्राम्स होगा एंड इसका 200-300 ग्राम्स, मतलब ये मान लो 1 kg है तो ये 3 kg मान लो मैक्सिमम, तो ये हो गया 4 kg एंड 2 kg 6 kg, तो रफली अगर मान लो तो 7 kg का वेट अभी इसके ऊपर है. फिर भी ये बिल्कुल इंटैक्ट है, तो अगर आप इसके ऊपर अच्छा खासा वेट भी रखोगे तो कोई भी इशू नहीं होगा. यहाँ पे आपके हेलमेट दो दो राइडिंग जैकेट्स आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो काफ़ी कन्वीनियंट है एंड काफ़ी यूज़फुल ये प्रोडक्ट लगा मुझे. सो दिस इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द राइडर्स, राइडिंग गेयर्स, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स एंड ऑल दैट. तो अगर आपके पास चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की दिक्कत हो रही है तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है आपके लिए. तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा इसको, आप जाके ले सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इसकी डिटेल्स हैं एंड ऑल्सो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी जाके आप वहाँ से ले सकते हो. सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया. अगर आया तो जरूर से उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाई ब्लॉग, स्टे सेफ, राइट सेफ एंड बाय.